दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र शर्मा राजस्थान भिलवाड़ा से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम जहां अभी हैं ये है दोस्तों परम पूजनीय माधव गौ अनुसंधान केंद्र। जी हां दोस्तों, अनुसंधान केंद्र। दोस्तों यहां आप देख रहे हैं ये मशीन। जी हां दोस्तों, ये गो कास्ट मशीन है। ये वो मशीन है जो हर गाँव हर क्षेत्र की ज़रूरत है। दोस्तों इस मशीन से हर घर रोशन हो सकता है, हर गांव। दोस्तों इस मशीन के बारे में अपन बात करते हैं भाई साहब, शिवजी भाई साहब से, कि इस मशीन की क्या ज़रूरत है और किस तरीके से, कितने टाइम से हमारे यहाँ लगी हुई है। आइए। नमस्कार जी, परम पूजनीय माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान में गौ माता का महत्व बढ़े, गौ माता को लोग पाले, तो गौ माता का केवल दूध ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसका प्रत्येक गौमूत्र यानी पंच गवे, गौमूत्र है, गोबर है, यानी सब चीज़ महत्वपूर्ण है। और गोबर, गोबर का इतना महत्व है जिसको शास्त्रों में भी लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो लक्ष्मी के रूप में इसका महत्व कैसे बढ़े, तो गो कास्ट के रूप में ये जो मशीन है इसके माध्यम से शुद्ध गोबर से गो कास्ट बनती है। गो कास्ट के माध्यम से यज्ञ में हवन के लिए, इधर से रसोई बनाने के लिए, साथ ही सबसे बड़ा जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होता है दाह संस्कार, उसके लिए भी गोकास्ट का बहुत महत्व है। और ये सफल प्रयोग है क्योंकि धीरे धीरे करके वन नष्ट होते जा रहे हैं, लकड़ी कट रही है, लकड़ी से पर्यावरण में बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो पर्यावरण को बचाए रखने के लिए भी गोकास्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये मशीन जब से बनी है, हमारे इसके ऑपरेटर है भैरू जी, ये रोज 400-500 गोकास्ट दो जने मिलकर के बना लेते हैं और बड़ा अच्छा सफल इसका ये प्रयोग रहा है। ये गोकास्ट सूखने के बाद बिल्कुल लकड़ी का जैसा एक पूरा काम करती है। भाई साहब ने बताया यहाँ पे कि भैरू जी भाई साहब यहाँ पे दिन की 400 से 500 गो कास्ट, मतलब दोस्तों इसको लकड़ी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सी जगह जहाँ हमारी निराश्रित गौ माताएँ घूम रही है, क्यों, क्योंकि है दोस्तों कि उनकी इस गोबर का मूल्य उनको पता नहीं है। दोस्तों आज होटलों के अंदर या आप देख रहे होंगे कि कहाँ भी रेस्टोरेंट में हो गया या बड़े बड़े ढाबों में, दोस्तों कोयला ऐसी चीज़ काम में ली जाती है जहाँ बहुत सा धुआं होता है। दोस्तों ये लकड़ी का बहुत महत्वपूर्ण है और उससे भी ज़्यादा अच्छी लकड़ी है। दूसरा दोस्तों, ये जो लकड़ी दाह संस्कार जो भाई साहब ने बताया काम, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से दोस्तों, अलग अलग जगह के हिसाब से ये जो लकड़ी है अलग अलग रेट जाती है। दूसरा, ये जो मशीन लगाने से या सभी गौशालाएँ जो मजबूत हो रही है, क्योंकि उनको दोस्तों तो दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है इस मशीन के माध्यम से। आप सभी, मैं आपको कहूँ मशीन लगाओ चाहे ना लगाओ, सभी गौशालाओं से आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस लकड़ी की महत्व समझें बस। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो हमारे नंबर है उनसे संपर्क करें और ये मशीन हम विशेष छूट के हिसाब से आपको बना के देंगे। नमस्कार।